वेलकम टू अवर चैनल दोस्तों। दोस्तों हमने ओवरकोट की पहले पार्ट में कटिंग की थी, जैसा कि आपने देखा। अब इस पार्ट में, सेकंड पार्ट में हम इसकी कंप्लीट स्टिचिंग करेंगे। पूरी डिटेल में बताऊंगा किस तरीके से बनाना है डबल कॉलर। दोस्तों चैनल बनाए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्लीव से शुरू करेंगे। स्लीव में हम सिंगल सिलाई फोल्ड कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों हम बैक साइड लेंगे। बैक साइड को हम इनर से जोड़ेंगे। इसमें दोस्तों हम पहले जो ये नीचे की साइड है उसको हम इनर से पल्टी कर लेंगे। तो इसको इस तरीके से उल्टा रखेंगे और पहले नीचे सिलाई करके इसको पल्टी कर देंगे और उसके बाद अस्तर को जोड़ेंगे हम। सिलाई करने के बाद दोस्तों जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक बाहर आ रहा है उसको हम कटिंग करके फिनिश करेंगे, क्योंकि हमारा जो मेजरमेंट है वो इनर के ऊपर है। अब दोस्तों इसकी टक्स की सिलाई करेंगे हम। आधा इंच सिलाई में दबाना है क्योंकि हमने इसका 1 इंच रखा था टक्स। तो ये जो सेंटर साइड है वहाँ पे आधा इंच दबाना है, तो ये टोटल 1 इंच इसमें आ जाएगा सिलाई में। इस तरीके से बैक साइड हम रेडी कर लेंगे। अब दोस्तों फ्रंट साइड लेंगे। फ्रंट साइड पे दोस्तों जो ये साइड है हमारी अंदर की, सिर्फ यहाँ पे ही सिलाई करनी है, पूरा इनर जॉइंट नहीं करना है। ये जो अंदर की साइड है वहीं पे हम सिलाई करके अस्तर को जोड़ देंगे दोनों पोर्शन में। तो इस तरीके से ये अंदर की साइड सिलाई कर देनी है और ये साइड ओपन रखनी है। दोस्तों कॉलर के लिए मैं ये वर्क वाला फैब्रिक यूज़ करूँगा। ये थोड़ा मोटा कपड़ा है तो इसमें हम कैनवास नहीं लगाएंगे, इसको इससे ही पल्टी कर लेंगे। तो पहले हम इसको कटिंग कर लेंगे जितनी ज़रूरत है हमें। इसको इस तरीके से रखना है और ये जितना फोल्ड हो रहा है उतना तो कम से कम लेना ही है, यानी इतना पोर्शन, और इतना यहाँ से हम कटिंग करेंगे अंदर तक ताकि हम इसको अच्छे से कवर कर सके। तो इसको इस तरीके से रख के कटिंग कर लेना है। तो इस तरीके से इसको ये कटिंग कर लेना है दोनों पोर्शन। अब ये हमने जो कट लगाया था यहाँ से इसको पल्टी करना है, नीचे तक सिलाई करेंगे और इसको पल्टी कर लेंगे हम। पीछे की साइड करना है पल्टी। तो इस तरीके से किनारी को पक्की कर लेना है और यहाँ पे सिलाई लगा के जो राउंड नेक राउंड साइड है वहाँ पे कट लगाना है ताकि आसानी से पलटी हो। तो इस तरीके से इसको पलटी कर लेना है। तो ये पलटी होने के बाद इस तरीके से यहाँ पे ये कॉलर शो होगा हमारा। अब इसी तरह से जो दूसरा पोर्शन है फ्रंट साइड का उसको भी रेडी करेंगे और इसको अच्छे से प्रेस कर लेना है। इतना पोर्शन पल्टी करना है जैसा कि हमने यहाँ पे कट लगाया था। तो जब हमारा एक कॉलर बनेगा तो यहाँ पे हम 1 इंच का ऊपर वाला कॉलर भी बनाएंगे। तो ये इसको इस तरीके से पल्टी कर लेना है और दूसरा पोर्शन भी इसका रेडी कर लेना है। तो दोस्तों इस तरीके से अच्छी तरीके से इसको प्रेस कर लेना है जैसा कि आप देख सकते हो। अब प्रेस करने के बाद दोस्तों इसकी किनारी पर सिलाई कर देना है दोनों पे, जो हमने ये इसको पलटी किया है उस पोर्शन पे किनारी पे सिलाई कर देनी है। अब दोस्तों ये सिलाई होने के बाद ये जो ओपन है, तो हमने जो ये इनर
यहाँ पे सिलाई नहीं की थी, खुला रखा था, तो इसको हम यहाँ पे इसको ऐसे खोल के यहाँ पे सिलाई कर लेंगे, तो यहाँ पे हमें हाथ सिलाई नहीं करनी पड़ेगी। और ये जो नीचे का पोर्शन है वो भी हम इनर से इसको पल्टी कर देंगे। तो पहले हम ये सिलाई करेंगे, उसके बाद नीचे की सिलाई करके इसको पल्टी करेंगे दोनों पोर्शन को। तो ये दोनों पोर्शन को इस तरीके से रेडी करना है। अब बाकी का जो इनर है उसको सिलाई कर लेंगे हम इतना करने के बाद। इसमें भी दोस्तों जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बाहर आ रहा है इसको हम कट कर लेंगे सभी जगह से। मैं इसको फिनिश करता हूँ वहाँ तक। दोस्तों वीडियो का अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक ज़रूर कर दे ताकि हमारी वीडियो की रीच ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो इस तरीके से दोस्तों दोनों पार्ट रेडी कर लेना है अच्छे से, एक बार फिर प्रेस कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा ये पोर्शन रेडी हो गया है, इनर से भी जुड़ गया है। अब हम इसकी शोल्डर की सिलाई करेंगे। तो दोस्तों शोल्डर इस तरीके से सिलाई कर लेना है। अब हम इसका दूसरा जो कॉलर है वो बनाएंगे। इसकी बहुत ही आसान तरीके से आपको बताऊंगा दोस्तों किस तरीके से बनाना है इसको। दोस्तों कॉलर बनाने के लिए पहले हम इसका मेज़र कर लेंगे, जिस तरह से हम नॉर्मल कॉलर का मेज़र करते हैं। यहाँ पे सिलाई लगेगी तो यहाँ से ही इस तरीके से मेज़र करना है। जैसे यहाँ पे ये पॉइंट ले लेना है, 4.5 इंच पे हमारा ये सेंटर आ रहा है शोल्डर का और 7.25 इंच का हमारा कॉलर है। तो ये 4.5 और 7.25 इसको याद रखना है। 4.5 शोल्डर का सेंटर है और 7.25 का पूरा कॉलर है। इस कॉलर का दोस्तों सबसे आसान तरीका ये है कि पहले हम इसका फर्मा रेडी करेंगे। एक रफ कपड़ा ले लेना है आपको। अब यहाँ पे जैसे 7.25 इंच है और 4.5 हमारा ये सेंटर है, तो एक लाइन इस तरीके से 4.5 इंच तक हम स्ट्रेट में पहले ड्रॉ करेंगे और फिर हल्का सा शेप दे देंगे इस तरीके से। बहुत ज़्यादा शेप नहीं देना है, हल्का सा देना है। अब दोस्तों बैक साइड पे हम फोल्ड करेंगे तो यहाँ पे 3 इंच का हमें मेज़रमेंट लेना है। 1.5 इंच फोल्ड होने के बाद रेडी होगा। और यहाँ पे हमने 1.25 इंच का जो पॉइंट बनाया था तो फिलहाल हम यहाँ पे 1.5 इंच ले लेते हैं। ये बिल्कुल रफ है, इससे ही हम जो मेन कॉलर है उसका सारा जो है फर्मा निकालेंगे। पहले इस तरीके से रफ में आपको काम करना है। तो ये इस तरीके से पहले मार्किंग कर लेना है और इसको हम कटिंग करेंगे। ये जो तरीका है दोस्तों इससे बिल्कुल परफेक्ट आपका कॉलर सेट होगा। आप अगर डायरेक्ट बनाने जाओगे तो उसमें कुछ ना कुछ गलती हो जाएगी। तो पहले आपको फर्मा बना लेना है इस तरीके से। दोस्तों ये फर्मा बनाने के बाद इसको हम जिस तरीके से कॉलर सिलाई करते हैं वैसे ही इसको कच्ची सिलाई करनी है। इस तरीके से लगा लेना है और कच्ची सिलाई करनी है। तो दोस्तों ये इस तरीके से इसको पहले सिलाई कर लेनी है। अब उसके बाद इसको हम फोल्ड करके देखेंगे कि कैसा इसका लुक आ रहा है, सही आ रहा है या गलत आ रहा है, जो भी है इस तरीके से रखना है। और ये इस तरीके से फोल्ड करके देखना है। अब इसमें जो भी कमियां होगी हम इसको सेट कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे ये कपड़ा यहाँ से शोल्डर से उठ रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे इस तरीके से यहाँ से इसको कट करेंगे तो ये बैठ जाएगा यहाँ पे।
इसे और ज़्यादा, जैसे हमने यहाँ पे इसको कट किया है तो इसको और ज़्यादा कट करेंगे तो ये कपड़ा यहाँ से उठेगा नहीं, इसलिए आपको पहले इस तरीके से कच्चा ही बनाना है, उसके बाद इस तरीके से सेट कर लेना है। आप चाहो तो इसको प्रेस से भी सेट कर सकते हो। अब इसके बाद दोस्तों ये जो पॉइंट है वो पॉइंट को हमें इस तरीके से सेट करना है और मार्किंग कर लेना है। जैसे मान लो यहाँ पे ये हमारा पॉइंट है, इस तरीके से मार्किंग कर लेना है। तो ये बनने के बाद ये इतना ही हमारा बनेगा, तो इस तरीके से ये फर्मा निकालना है। पहले ये कच्चा इसका सेटिंग कर लेना है और इसको फोल्ड करके देख लेना है और उसके बाद दोस्तों इस तरीके से कॉलर का मार्किंग कर लेना है। अब ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन है इसको हम कट करेंगे तो हमारा जो कॉलर है वो हमको मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ पे भी चाहो तो यहाँ पे भी आप इसका ये सेटिंग कर सकते हो, इसको फोल्ड करके जिस साइड से आपको लगे कि सही बैठ रहा है उस साइड पे आपको इस तरीके से मार्किंग कर लेना है। इस तरीके से यहाँ पे भी हम इसका मार्किंग करेंगे तो ये जो रफ कपड़ा है इसका यही मकसद है कि बिल्कुल हमें परफेक्ट हमारा कॉलर मिल जाए। तो इस तरीके से पहले निकाल ये कर लेना। अब इसको हम निकाल लेंगे और ये एक्स्ट्रा जो पोर्शन है उसको हम कट कर लेंगे। तो ये सिलाई मैंने खोल ली है, हम जो एक्स्ट्रा पोर्शन है उसको हम कट कर लेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों इसको तो 3 इंच ही रखना है क्योंकि फोल्ड के लिए हमें इतना चाहिए, सिर्फ इसको शेप दे देना है इस तरीके से। और ये आधा पोर्शन ले लेना है हमें सिर्फ आधे की ज़रूरत है, दूसरी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम फोल्ड करके कटिंग करेंगे। तो ये हमारा कॉलर हमें मिल गया है। अब दोस्तों ये इस तरीके से फिजिंग ले लेना है, सॉफ्ट फिजिंग है ये। अब इसको हम कटिंग कर लेंगे इसका फर्मा रखते हुए इस तरीके से। अब यहाँ पे दोस्तों हमने जो ये सिलाई लगाई थी तो ये यहाँ से हमने सिलाई मार्जिन इतना रखा था तो इसको हमें कट कर लेना है सिलाई मार्जिन को, क्योंकि जब हमने इसको लगाया था फर्मे के लिए तो हमने इसको इस तरीके से अंदर ही सिलाई मार्जिन रखा था कपड़े में। तो इसको अलग से रखना है और यहाँ पे दोस्तों 3 इंच ही रखेंगे हम फोल्ड के लिए हमें जो बनाना है। अब ये छोटी बच्ची का है तो मैं यहाँ पे मान लो 2.5 इंच भी कर सकता हूँ। तो जो मार्जिन हमने सिंपली में अगर नीचे से जो हमने मार्जिन निकाला था उसको यहाँ पे ऐड कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ शेप ही देना है इसको इस तरीके से। ये पॉइंट तो एज इट इज़ यही रखना है, इस पॉइंट को कुछ चेंज नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे करना है क्योंकि फोल्ड के लिए हमें इतना तो चाहिए ही 2.5 से 3 इंच। इसमें जब हम कॉलर सिलाई करेंगे तो हम कपड़े के ऊपर सिलाई मार्जिन ले लेंगे, कैनवस के ऊपर सिलाई मार्जिन नहीं रखेंगे, इसलिए ये मैंने सिलाई मार्जिन इसका कट करके पहले से निकाल लिया है। अगर आप चाहो तो ये जो प्रॉपर हमने फर्मा बनाया था वैसा ही फिजिंग कटिंग कर सकते हो तो आपको फिर वो फिजिंग के ऊपर ही सिलाई मार्जिन रहेगा। लेकिन दोस्तों जो मेरा तरीका है मैं कपड़े के ऊपर ही इसका सिलाई मार्जिन रखता हूँ ताकि वो पलटी होने में आसानी रहता है। तो इस तरीके से ये हमारा कॉलर कटिंग होगा। तो फोल्ड होने के बाद दोस्तों ये कुछ इस तरीके से लगेगा। अब इसको हम फैब्रिक पे पेस्ट कर लेंगे, चिपका लेंगे और जिस तरीके से हम स्टैंड रेडी करते हैं उसी तरीके से इसको रेडी कर लेंगे। तो इस तरीके से इसको दोस्तों रेडी कर लेना है स्टैंड की तरह। अब हम इसको सिलाई कर लेंगे कि ये जो पोर्शन है वो यहीं पे आना चाहिए इस तरीके से। जब ये फोल्ड होगा तो ये दोनों ऊपर की तरफ आना चाहिए, इसका ध्यान रखना है। तो इसको हम यहाँ से सिलाई करेंगे तो ये जो ब्लू पोर्शन है वो ब्लू पोर्शन में आ जाएगा
और जो ये वर्क वाला फैब्रिक है वो दोनों साथ में आना चाहिए, इसका ध्यान रखना है स्टेन लगाते वक्त। इस तरीके से दोस्तों इसको सिलाई कर लेना है। और ये शोल्डर पे यहाँ पे जैसा कि आपने वीडियो में देखा इसको कट लगाना है, ये ज़रूरी है ताकि जो शोल्डर से कपड़ा जो खींचता है वो खींचेगा नहीं और कंफर्टेबल रहेगा। अंदर की साइड भी जैसा कि आपने देखा वहाँ पे भी कट लगाना है। अब ये जो हमने कच्ची सिलाई की थी इसको हम खोल लेंगे। अब दोस्तों इसकी स्लीव सिलाई कर देंगे हम। बैक साइड का पोर्शन बैक साइड में आना चाहिए इस तरीके से। पहले हल्के हाथ से देख लेना है स्लीव हमारी बराबर आ रही है, तो जैसा कि आप देख सकते हो बिल्कुल परफेक्ट आ रही है, तो इसको हम सिलाई कर लेंगे। दोस्तों इस तरीके से स्लीव को सिलाई करके ओवर लुक कर लेना। अब इसकी साइड सिलाई करेंगे और इसका फाइनल लुक मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा दोस्तों कि ये बनने के बाद किस तरह से लग रहा है। तो अभी तक दोस्तों आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़रूर लाइक करें, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में कटिंग और स्टिचिंग की। इस तरीके से साइड सिलाई करेंगे, जो हमारी मार्किंग है वहीं पे चलना है और ये जॉइंट को मिलाना है ऊपर नीचे ना हो इसका ध्यान रखना है, और मोरी मेज़र करके इसको सिलाई कर देना है। डबल सिलाई करना है ताकि अगर फिट हो रहा है तो एक सिलाई घोर के आप लूज़ कर सकते हो, तो ये ऑप्शन रखना है। अब इसको हम ओवरलुक करेंगे और इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से इसका लुक आ रहा है, जैसा कि आप देख सकते हो अच्छे से इसको मैंने प्रेस कर लिया है और ये बैक साइड पर, और यहाँ पर भी आप देख सकते हो कॉलर पर बिल्कुल भी हमारा जो शोल्डर पर जो कॉलर है वो बिल्कुल भी उठ नहीं रहा है। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारा कॉलर यहाँ पे रेडी बना है। तो ये चीज़ें दोस्तों बिल्कुल आसान तरीका करके मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको ये समझ में आ गया होगा डबल कॉलर की सिलाई और कटिंग किस तरीके से करनी है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।